अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक अगेन डी एच ए सिटी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वो द वैली की फाइलों की बात करेंगे जो इस्लामाबाद से कराची में मर्ज हुई हैं, कराची में शिफ्ट हुई हैं, जिनकी डी एच ए सिटी में बैलेटिंग हो चुकी है। इस वक्त मार्केट में, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से अर्ज़ किया था कि आप लोगों के पास अगर फाइल है, आप लोगों का अगर प्लॉट किसी भी सेक्टर में निकल आया है, चाहे वो 3 में निकल आया है, चाहे वो 6 में निकल आया है, 9 में, 12 में, 13 में निकल आया है, आप लोगों ने सब्र करना है। लेकिन सब्र ना करने की वजह क्या है? लोगों ने जब द वैली की बुकिंग करवाई थी आज से 12 साल, 15 साल, 14 साल पहले, और जो लोग अपनी फुल इंस्टॉलमेंट दे चुके थे, किसी के बच्चे की शादी थी, किसी के साथ कोई और मसला था, किसी ने घर लेना था, वो अपनी जमा पूंजी जो है वो यहाँ पर फंसा चुका था द वैली की फाइलों में। अब इस वक्त उसका प्लॉट कराची में शिफ्ट हो चुका हुआ है, बैलेट हो चुका हुआ है, और उसका प्लॉट कैश हो रहा है, और अब उसके अंदर सब्र नहीं है। जो सब्र नहीं है उसकी वजह ये है कि जी पैसों की ज़रूरत है सबको, लेकिन मार्केट को चलने दें, मार्केट में सब्र से फाइलें बेचें, अपना पैसा जो आप लोगों ने इतने सालों से बाउंड किया हुआ था उस पैसे को और डिवैल्यू होने से बचाएं। ये जो सेलर है उसके हाथ में है, अगर वो जल्दबाजी करेगा, जल्दबाजी में सेल कर देगा तो आप लोगों को तो अभी वही 27 लाख रुपए मिलेंगे, 26 लाख रुपए मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जबकि मैं समझता हूँ DHA में कराची में इस प्लॉट का, मरे से मरा सेक्टर 13 वाले प्लॉट का भी रेट जो है वो 40 लाख रुपए का होना चाहिए। 125 गज की बात कर रहा हूँ मैं। देखें, सेक्टर 14 में, 14A में, 14B में, लास्ट ईयर मार्च में 2022 मार्च में 60-60 लाख का, 55-55 लाख का प्लॉट हो गया था 125 गज का। तो अगर इस वक्त हाल फिलहाल में देखें, दिवाली की बैलेट से पहले, इसकी बैलेटिंग से पहले 125 गज की जो फाइल थी 14A की और 14B की, उसका वही 14B का 40 के आगे पीछे का रेट था, और 14A का जो है वो 35 के आगे पीछे का रेट था, जो कि इस वक्त समझ लें द वैली के साथ मिल गया है। और द वैली जो है वो 30 लाख रुपए का इस वक्त बाहर है, वो भी सेक्टर 3 में। एक और बात आप लोगों की जानकारी में इजाफा कर दूँ, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें अपने प्लॉट की तस्दीक करनी है, हम अपनी फ़ाइल कैसे चेक करें कि हमारी फ़ाइल कौन से सेक्टर में आई है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, www.dhacarachi.org इस वेबसाइट पर आप विज़िट करें। यहाँ पर DHA सिटी DCK ये वाला सेक्शन खोलें, वहाँ पर आप अपने प्लॉट की डिटेल इंटर करके और अपने प्लॉट का सेक्टर जान सकते हैं, सेक्टर के बारे में मालूमात कर सकते हैं। आपने अपना फाइल नंबर, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना NIC नंबर, ये 2-3 चीज़ें वहाँ पर आपको डिटेल में डालनी होगी और आप बआसानी अपने प्लॉट का सेक्टर चेक कर सकेंगे। एक ये इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरे नंबर पर इस वक्त मैं कह रहा था कि 30 लाख रुपये का बायर स्टैंड हुआ है सेक्टर 3 में, 125 गज का, 3C में, 3E में, 3D में, और 200 गज की जो फाइलें हैं, जो कि तकरीबन 1400 या 1500 फाइलें हैं टोटल, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 3C के अंदर हैं। अगर आपको कोई बोले कि जी मैं आपको 200 गज की फाइल सेक्टर 6 में दिला देता हूँ, सेक्टर CD में दिला देता हूँ, सेक्टर 12 में दिला देता हूँ, तो वो आपसे गलत बयानी करेगा, वो आपसे धोखेबाजी करेगा, वो आपसे, ठीक है जी। सेक्टर C3C इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको 200 गज की जो इस्लामाबाद वैली की फाइलें हैं वो मिलेंगी, और उनका इस वक्त रेट है 52 से 54 लाख रुपए का, 52 से 54 लाख रुपए का रेट है। कुछ लोग सुनहरे ख्वाब देख रहे हैं कि उनका प्लॉट अभी 60 लाख का बिक जाएगा। हाँ, ये ख्वाब सच्चा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो कोई भी ख्वाब सच्चा नहीं होगा, सब ख्वाब आँखें बंद करके जब खुलेंगी तो वो उड़ जाएंगे। माजरत के साथ, आप लोग अगर सब्र नहीं ना करेंगे तो ये मार्केट और ड्रॉप हो जाएगी, और मुझे लग रहा है कि ये जो 30 लाख का बायर स्टैंड किया है सेक्टर 3 में, ये और भी नीचे चला जाएगा।
और भी रेट जो है ना वो इसके टूट जाएंगे। अगली बात वीडियो एंड करूंगा, वीडियो लंबी हो रही है, अगली बात करता हूं कि इन्वेस्टमेंट की टिप्स क्या है, इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त 125 गज की फाइलें जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सेक्टर 6 की फाइलों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सेक्टर 3 की फाइल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में मार्केट स्टेबल होने पे आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा और तगड़ा प्रॉफिट दे देगी। अगर सेक्टर 3 में इस वक्त 30 लाख का बायर स्टैंड किया हुआ है, 31 लाख का अगर आपको प्लॉट मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि आपने 60 लाख की चीज़ 30 लाख रुपए में ले ली है। और इसी तरह ऑनवर्ड सेक्टर 6 में 9 में आप अगर 27 का 25 का प्लॉट अभी ख़रीदते हैं तो आने वाले दिनों में इसको मैं डबल देख रहा हूँ। लेकिन अभी नहीं, ऐसा ना हो कि आप जी आज ख़रीदें और कल बोलें जी डबल नहीं हुआ, काशिफ स्टेट वाले काशिफ साहब ने कहा था कि जी डबल हो जाएंगे। नहीं, अभी डबल नहीं होगा, डबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक बार आप इसको स्टेबल होने दें मार्केट को, मार्केट में से ये जो पैनिक सेलर है इसको निकलने दें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरे चैनल को। देखें भाई, सब्सक्राइब करने में ना ही कोई ट्रांसफ़र फ़ीस लगेगी, ना ही कोई मेंबरशिप की फ़ीस लगेगी, और ना ही कोई फोटोकॉपी के पैसे देने। सब्सक्राइब वाला बटन सिर्फ आपने अपनी इस उंगली से दबाना है, ये वाली जो उंगली है ना, इससे आप इस उंगली से भी दबा सकते हैं, अंगूठा सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के पास और नई नई वीडियोस और नई नई जो है वो टिप्स लेकर आता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।